Hello everyone, my name is Himani Chauhan and I welcome you all with yet another video of mine on the topic overcome shyness. So basically we are going to see how you're going to overcome this shyness at a social gathering or probably in day-to-day conversations or meeting with the people. So well, there are these various six subtopics that we are going to discuss about. Now, before dealing detail about this, so let us first talk about how do you define shyness. अगर आप हम shyness की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से symptoms हैं या ऐसे कौन सी general सी चीजें हैं जो आप face करते हैं? I'm sure अगर बहुत बार आपने observe किया हो, आप किसी public gathering में जाए या कभी भी किसी group of friends के साथ भी मिले in day-to-day life. So, कई बार ऐसा होता है कि आपको मिलते बराबर किसी नए इंसान से मिलते बराबर अचानक से awkwardness होती है. कई बार हमें पसीना छूटने लगता है अगर आप किसी नए इंसान से मिलने की कोशिश करते हैं या उनसे बात करने की कोशिश करते हैं. और say for example if you're going for a competition or going for examination even, तो कई बार आपका दिल जोर जोर से धड़कता है. I'm sure that's all signs of nervousness and shyness. Your heart is palpitating, you're very nervous, your fingers are numb, probably your body language completely disrupts, everything goes out of control. Aapko kai baar aisa lagta hai ki you don't have anything in your control. And these are all various kinds of symptoms of shyness. So today we are going to deal with various reasons and various topics as to how you're going to attack this problem of shyness. So the first thing that you need to remember जब आपको आपके shyness को attack करना है या overcome करना है, so the first thing that is important is accept and face it. कई बार जब आप इन चीजों से deal करते हैं, हम बहुत बार चीजों को accept नहीं करते हैं. Acceptance is the most important thing. कई बार हमें पता होता है कि ये particular quality हम में है, हाँ हम shy है, but we fail to accept and इसी के वजह से हम कई बार situations में इस तरीके की चीजों को face नहीं करते हैं. So the first thing is कि आप अपने shyness को, अपने behavior को, particular behavior को accept करें. Because there's no harm in being imperfect. कई सारी qualities ऐसी होती है जो हर किसी में नहीं होती है. So it's good to accept and then work upon it. So the second one that's important is find the reason. As I said, कि आप अगर nervous हैं या आप shy हैं, तो उसके कई सारे symptoms हैं. और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान में सारे symptoms same हो. Probably शायद मैं जब भी shy हो जाती हूँ, तो मुझे पसीना छूटने लगता है. और sometimes it might happen कि किसी और इंसान के साथ अगर वो shy है, तो his fingers might start trembling. और sometimes ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो इंसान shy है, तो शायद उसकी लैंग्वेज काफी बार अटकती हो, ही माइट बी स्ट्रम्बलिंग एंड ही माइट नॉट बी क्लियर विद हिज वर्ड्स. तो ये कई सारे बेसिक सिम्टम्स हैं शाइनेस के. और आपको बेसिकली समझना होगा कि आपकी बॉडी बेसिकली किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू नीड टू फाइंड अ प्रॉपर रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है. द रीजंस फॉर शाइनेस, फाइंडिंग देम इज ओनली द की. It's said that if you find the problem, you'll automatically try to get the solution easily. इसीलिए सबसे पहले आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप वो reasons ढूंढे जिसके वजह से you might be shy. So अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है me as a focal point, या जिसे हम कहते हैं बार बार खुद के बारे में सोचना, self, I kind of stuff. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप बार बार ये सोचते हैं कि अगर ये सिचुएशन रही तो मैं इस तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगी, मैं उस तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगी, मैंने ये कह दिया तो क्या हो जाएगा. सो यू कीप योर सेल्फ एट द फोकल पॉइंट एंड गेट वरीड कंटिन्यूअसली, जिसके वजह से आपकी शाइनेस और बढ़ जाती है. यू आर नॉट एबल टू ओपन अप, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज एंड योर थॉट्स. तो हम सेल्फ ऑब्सेशन को छोड़ना है हमें. यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, स्टार्ट बीइंग पब्लिक, स्टार्ट बीइंग सोशल. अगर आपको सोशल गैदरिंग्स में जाना है, लोगों से मिलना है, तो बार बार इन चीजों को आपके दिमाग से आप हटाने की
कोशिश करें. स्टॉप थिंकिंग दैट व्हाट विल हैपन इफ आई डू सो, व्हाट विल हैपन इफ आई रिएक्ट दिस वे. स्टॉप एंड अवॉइड दीज थिंग्स. जस्ट बी फ्री एंड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. द नेक्स्ट वन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज मैग्निफाई योर स्ट्रेंथ्स. जितना ज्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, आई थिंक दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ शाइनेस वेरी इजीली. अब बहुत बार लोग हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में सोचते हैं. दे डोंट फाइंड व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स एंड हाउ दे कैन वर्क अपॉन इट. नाउ नेसेसरीली ऐसा नहीं है कि यू नो आई हैव ऑल द क्वालिटीज विद इन मी and the other person is completely null of all the qualities. That's not possible. If suppose I am a good singer, I might not be a good cook. If suppose I am not good at English, then I might be good at calculations or mathematics for that matter. So agar aap negative cheezon ko chhod kar apne strengths ko discover kare and unko zyada you know large karne ki koshish kare, so you can just shadow all those things. You know, you should work with your strengths so that your negativeness takes a back seat. Iske baad hum jo sabse zyada important cheez consider karne wale hai while overcoming your shyness is you need to have lots and lots of positive thoughts. It's said that thoughts manifest, which is actually true, that thoughts certainly manifest. In the sense, अगर आप अच्छे thoughts रखेंगे तो उसी तरीके से अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ होनी शुरू होंगी. Well, this might sound to be funny, but that's true. अगर आप continuously अपने positive aspects को develop करने की कोशिश करेंगे तो certainly things will turn out to be very positive and very magnificent. अगर आप continuously negative thoughts रखेंगे, जैसे कि बहुत बार हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, शाइनेस का एक प्रोमिनेंट रीजन बॉडी कॉन्शियसनेस भी हो सकता है. लाइक यू से आई एम टू फैट, आई वोंट बी लुकिंग प्रेजेंटेबल, शायद मेरा ड्रेस प्रॉपर ना हो, मेरा आउटफिट अच्छा ना हो, समथिंग बॉदर्स यू इन योर एंटायर बॉडी लैंग्वेज. तो इस वक्त नेगेटिव थॉट्स ना लाए, रादर कीप पॉजिटिव थॉट्स. ट्राई टू कम अप विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिव इमोशंस इन यू. And that will help you to attack shyness. Well, the last one and the most important, कि आप इन above सारे पांचों traits को face करें, तो वो है conversational skills. Now you really need to work on certain small tips or certain small things on conversation. जिसके बारे में मैंने already अपने previous video में I've talked about conversational skills. You can go and check that for detailed view. But what you need to focus is कि आपको कुछ certain body languages, verbal and non-verbal communication से related आपको enhance करने पड़ेगी. Well, with these six quick notes, you'll be able to attack shyness. Thank you so much. Have a good day.